अब हम लोग दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे किसमें, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उस चीज को समझते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा सेकेंड कंडीशन क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। व्हेन बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी बॉडी कब स्टार्ट कर रहा है किससे, रेस्ट से, राइट, एंड इट्स स्पीड या वेलोसिटी, बात दोनों सेम है, बताया है ना, इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय टाइम। इसका मतलब क्या है, बॉडी क्या किया, रेस्ट में से शुरू किया, जब वेलोसिटी क्या था, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, जीरो है। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और बॉडी का जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में मान लिया जीरो है, अभी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, राइट, रेस्ट में है तो अभी वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। एक सेकेंड बाद मान लिया जाए मेरा वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, फिर दूसरा सेकेंड में मेरा वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, तीसरा सेकेंड में मेरा वेलोसिटी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, चौथा में हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक सेकेंड में मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। अगर एक सेकेंड में 10 मीटर होता अगला में 20 से बढ़ जाता तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म होता, क्या होता, तो अगर इक्वल हिसाब से बढ़ रहा है तो वो क्या हो गया हमारा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, पहला बात क्लियर हो गया। दूसरी बात, वेलोसिटी यदि चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, एक्सलरेशन होगा कि नहीं होगा, उसके अंदर एक्सलरेशन होगा ना, वेलोसिटी सेम रहेगा तब ना एक्सलरेशन नहीं होगा। अभी वेलोसिटी 10 है, अभी 0 है, फिर एक सेकेंड बाद 10 हो गया, फिर 2 सेकेंड बाद 20 हो गया, इसका मतलब मेरा वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सलरेशन हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या कहलाता है, एक्सलरेशन। और चेंज में भी ध्यान क्या देना है कि चेंज यूनिफॉर्म वे में हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है ना, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, ध्यान दीजिएगा। यानी इसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है यूनिफॉर्म, क्या बोलिए, एक्सलरेशन। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, आइए हम समझाते हैं आपको, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। इस पर हमने किसको ले लिया, टाइम को ले लिया, और इस पर हमने किसको ले लिया, वेलोसिटी या स्पीड को ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझेंगे, इसका जो ग्राफ होगा बच्चे लोग, वो ग्राफ होगा ऐसा, ऐसा ग्राफ, बात समझ में आ रहा है, राइट। ये आपका यूनिफॉर्म क्या हुआ, एक्सेलरेशन, बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहे हैं। अब पहले मैं बताता हूं, इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूं कि कैसे ऐसा हुआ। कॉन्सेप्ट जब हम आपका क्लियर करेंगे, ऑटोमेटिक सब चीज समझ में आपको आ जाएगा कि ऐसा ग्राफ क्यों हुआ। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम ये टाइम ले लेते हैं किस में, बोलिए, सेकेंड में एक डाटा बनाएंगे हम लोग, और दूसरा में स्पीड या वेलोसिटी ले लिए, जिसका यूनिट क्या हो गया हमारा, मीटर पर सेकेंड, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब देखिए, 1 सेकेंड में मान लिया जाए
सॉरी जब जीरो था ना, जब टाइम कैलकुलेट किए जीरो, तो जीरो में कितना था बताइए, जीरो। बात समझ में आ रहा है। एक सेकेंड बाद कितना हो गया वेलोसिटी 10 मीटर, दूसरा सेकेंड में 20, तीसरा सेकेंड में 30, फोर्थ सेकेंड में 40, फिफ्थ सेकेंड में 50। बात समझ में आ रहा है। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, ध्यान से समझिएगा। y है, x है, क्लियर है। इस पर टाइम आ गया तो हमने क्या लिख दिया बच्चा, दिख रहा है सबको, टाइम दे दिया तो क्या हो गया, सेकेंड हो गया। बात समझ में आ रहा है। और यहां क्या हो गया बोलिए, वेलोसिटी किस में, मीटर पर सेकेंड में। अब आप टाइम ले लीजिए कितना, ये जीरो है यहां पर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, कोई फर्क पड़ रहा है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। यहां लिखे 1, 2, 3, 4 और 5, कोई कंफ्यूजन। और यहां देखिए, ये आपका 10 है, 20, 30, 40, 50, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। एनी कंफ्यूजन, पूरा 100% क्लियर हो रहा है आप लोग का। अब आप ग्राफ को प्लॉट कीजिए, अब बताइए कि कहां पर कौन सा पॉइंट आएगा, जरा बताइए हमको, क्या आएगा बताइए, जीरो में जीरो तो यहां पर आएगा ये पॉइंट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जब 1 सेकेंड है टाइम, तो वेलोसिटी क्या है, 10 है, तो टाइम में किसके सामने लोगे, 1 सेकेंड के सामने लोगे, और वेलोसिटी में किसके सामने, 10 के सामने, तो हमारा यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ बताओ हमको। अब बताओ टाइम में किसके सामने लोगे, 2 के सामने ऐसे लोगे, और वेलोसिटी में किसके सामने लोगे, 20 के सामने, तो मेरा ये हो गया कि नहीं हो गया बताओ, समझ में आ रहा है। टाइम में किसके सामने बोलिए, 3 के सामने ले लिए ऐसे, और वेलोसिटी में किसके सामने, इसके सामने, तो मेरा यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया। टाइम में हम किसके सामने, 4 सेकेंड के सामने ले लेंगे, और वेलोसिटी में किसके सामने, 40 के सामने, मिला दिए ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। टाइम में किसके सामने बच्चे लोग, 5 के सामने लिए, भावनाओं को समझना, और ये क्या हो गया यहाँ पर, क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चा बताइए, अब क्या कीजिएगा बताइए, फटाफट बताइए, अब क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे, हमारा ऐसा ग्राफ रेडी हुआ कि नहीं हुआ, सुबह कौन कौन समझे, पक्का समझ में आ गया, 100% आ गया। अब यहां पर आपको पूछेगा एक्सेलरेशन क्या होगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है कि आपको ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पता कीजिए, क्या समझे बात को, तो एक्सेलरेशन कैसे, यहां जगह बचा हुआ है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए तुमको क्या बताए थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो एक्सेलरेशन इसका स्लोप क्या बतलाता है, एक्सेलरेशन को बतलाएगा, तो स्लोप में कौन एक्सिस, बोलो वाई एक्सिस बटा में एक्स एक्सिस, कंफ्यूजन दूर है, तो वाई एक्सिस पहले इस पर देखते हैं, तो ये डंडा का अंतिम सिरा वाई एक्सिस में किसके सामने है, 50 के सामने, यहां ले लिए, फिर माइनस वाई ही एक्सिस अभी देखेंगे ऊपर के लिए, डंडा का निचला सिरा किसके सामने है, बात समझ में आ रहा है। अब बात करेंगे किस एक्सिस का, एक्स एक्सिस का, तो डंडा का अंतिम सिरा एक्स एक्सिस में किसके सामने है, अंतिम सिरा एक्स एक्सिस में किसके सामने है, माइनस डंडा का स्टार्टिंग पॉइंट किसके सामने, जीरो, तो 50/5 आंसर हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन कौन समझे, सॉलिड समझ में आ गया। इस तरीके से आप जिस स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से आप एक्सेलरेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो से शुरू किए, अब कुछ और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, वो सेकेंड था नहीं,
अब थर्ड, ध्यान दीजिएगा, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ सम स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, बट स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। पिछला जो मैंने बताया उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो था, कहां से शुरू किया था, जीरो से, इसीलिए क्या क्या ओरिजिन से लिए थे उसको, इसमें ओरिजिन से नहीं लेंगे, इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ध्यान से समझना सब बच्चा, ध्यान से समझो इसका ग्राफ क्या होगा। ये एक्स है और ये क्या है तुम्हारा वाई, ये टाइम है और ये वेलोसिटी या स्पीड है, क्लियर है। अब ध्यान से इसको समझिएगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर यहां से शुरू होता तो ये तो जीरो था, यहां टाइम भी जीरो है और यहां वेलोसिटी भी क्या है, जीरो है, लेकिन ये होगा कैसे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा ग्राफ, कुछ बात समझ में आया, ऐसा ग्राफ का मतलब हम समझाते हैं, सुनिए, अगर यहां से ऐसे रहता ये इस तरीके से रहता तो कहां से लेते, जीरो से, इसका तो वेलोसिटी शुरू हुआ, ये जीरो है तो यहां वन टू थ्री फोर फाइव कुछ होगा कि नहीं होगा, अगर यहां पर फाइव है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइव मीटर पर सेकेंड है, समझ में आ रहा है, अगर यहां टेन है तो इनिशियल वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकेंड है, कोई कंफ्यूजन है यहां पर, बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी के पास कुछ न कुछ इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड है, देन ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो रहे हैं, ऐसा ग्राफ हुआ, यानी ये इसका क्या हो गया, बोलिए, यू यू समझाने के लिए दिए, ऐसे ही इसका ग्राफ होगा, राइट। अब देखो कॉन्सेप्ट करेंगे क्लियर तो आपका बिल्कुल हो जाएगा एकदम कि कैसे हुआ, ध्यान से समझिएगा, यहां टाइम लिए टॉक मत कीजिए और सीरियसली सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब बताया जा रहा है, ठीक है ना, बात समझे, जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं YouTube पर हम भी अपलोड कर दिए हैं और जगह भी आप अपलोड यही टॉपिक को देख लीजिएगा, आप कंपेयर कर लीजिएगा, दो मिनट में पता चल जाएगा, यस और नो, ठीक है ना, डालिएगा तो आ ही ना जाएगा, आप कंपेयर कर लीजिएगा कि भाई सर किस लेवल का क्या कर रहे हैं, आपको एकदम कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा, ठीक है, आइए यहां देखिए, अब ध्यान से समझना, यहां से कैलकुलेट किए जीरो सेकेंड, मतलब जीरो से तो वेलोसिटी मान लिया जाए टेन मीटर पर सेकेंड है, यस, एक सेकेंड बाद मान लिया जाए ट्वेंटी हो गया, दो सेकेंड बाद थर्टी, यहां ध्यान क्या रखना है आपको, जीरो सेकेंड में टेन था, यानी बॉडी स्टार्ट किया कहां से, टेन मीटर पर सेकेंड से चलना, लेकिन टेन के बाद जो बढ़ रहा है ना वो यूनिफॉर्म दस दस के हिसाब से बढ़ रहा है, हर सेकेंड कितना से बढ़ रहा है, दस से बढ़ रहा है, ठीक है ना, थ्री सेकेंड में कितना, फोर्टी, फोर सेकेंड में कितना, फिफ्टी, फाइव सेकेंड में कितना, सिक्सटी, बात समझ में आ रहा है, तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, y और ये x, ये जीरो है, यहां टाइम है बच्चा लोग किस में बताओ, सेकेंड में है टाइम, और यहां वेलोसिटी किस में है बोलो, मीटर पर सेकेंड में है, कोई कंफ्यूजन यहां पर, ध्यान से समझिएगा सब, टाइम कितना सेकेंड लिए है, फाइव सेकेंड, तो यहां ले लेते हैं वन सेकेंड, टू सेकेंड, थ्री सेकेंड,
4 सेकेंड और 5 सेकेंड है, वो और बढ़ा लीजिए 1 2 3 4 5 6, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में ये है हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60. अब मिलाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, तैयार हैं? जब टाइम 0 सेकेंड था तो वेलोसिटी कितना था? 10. टाइम किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर, तो एक्स में 0, तो वाई पर किस में किस, कहां पर डलाएगा पॉइंट? आए कहां पर डलाएगा? 10 पर डलाएगा, यहां पर आया यहां पर. अब बोलो टाइम 1 सेकेंड तो उसमें कितना? 20. तो टाइम में किसके सामने? बोलो टाइम में किसके सामने? 1 के सामने. तो इसमें किसके सामने? 20 के सामने. यहां पर ये पॉइंट आ गया. टाइम में किसके सामने? बोलो टाइम में 2 के सामने. तो इसमें किसके सामने? 30 के सामने. समझ में आ गया? टाइम में किसके सामने? 3 के सामने. तो इसमें किसके सामने? 40 के सामने. क्लियर हो गया? टाइम में 4 सेकेंड के सामने, तो वेलोसिटी में 50 मीटर पर सेकेंड के सामने. उसके बाद टाइम में किसके सामने? 5 सेकेंड के सामने, तो वेलोसिटी में किसके सामने? बोलिए 60. क्लियर हो रहे हैं? अब आप क्या करेंगे, फ्री हैंड से आप इन सारे पॉइंट्स को क्या कर देंगे बाबू? मिला देंगे. हमारा ग्राफ ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, बताइए? पक्का? कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां आपसे पूछेगा तो इनिशियल वेलोसिटी किसी बॉडी का क्या हुआ बताइए? 10 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है? आए पूछेगा कि थर्ड सेकेंड में वेलोसिटी कितना था? फटाफट बोलिए. थर्ड सेकेंड में फटाक से मिला लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड. कोई कंफ्यूजन? और यहां अगर आपको पूछ दिया क्या चीज? एक्सलरेशन, तो वापस वही माथा लगाना है. वाई एक्सिस पर डंडा का अंतिम पॉइंट किसके सामने है? 60 के सामने. माइनस डंडा का इनिशियल पॉइंट कहां पर? 10 के सामने. समझ में आया? एक्स एक्सिस पर डंडा का अंतिम पॉइंट किसके सामने? 5 के सामने. एक्स एक्सिस पर डंडा का इनिशियल पॉइंट किसके सामने? 10 0 के सामने ना. वो 10 जवाब आया उनने से. 50/5 यहां भी आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस कंडीशन में भी आप एक्सलरेशन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं. एक्सलरेशन ध्यान दीजिएगा, समझिएगा. कैमा पॉइंट था ये तीसरा, ये चौथा देखो, फोर्थ. ध्यान देना, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी या स्पीड. जब बॉडी जो है कुछ वेलोसिटी या स्पीड के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. एंड इट्स वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीजेज क्या? यूनिफॉर्मली विथ टाइम. टाइम के साथ क्या कर रहा है? ये घट रहा है. बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? रिटार्डेशन. क्या हुआ? और चूंकि यहां घट रहा है यूनिफॉर्म वे में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ध्यान देना, वेलोसिटी घटने का मतलब हुआ रिटार्डेशन. और चूंकि यूनिफॉर्म वे में घट रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ?
यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर हो रहे हैं? अब इसका ग्राफ कैसा होगा ध्यान से समझिएगा सर, इसका ग्राफ कैसा होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका टाइम है साहब और ये आपका स्पीड या वेलोसिटी है। रिटार्डेशन में क्या होता है ध्यान से समझिएगा, मान लिया जाए बॉडी कुछ वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, चल रहा है, तो उसका ग्राफ ऐसा होता है। बात समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन ऐसा तो रिटार्डेशन ऐसा, और यूनिफॉर्म जब होगा तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। बात समझ में आया? और जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ग्राफ क्या होगा, टेढ़ा होगा। कर्व ग्राफ तब होता है जब नॉन यूनिफॉर्म होता है, और स्ट्रेट ग्राफ तब होता है जब क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ध्यान से समझिएगा, यहां इसको हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इसको हम लोग कहेंगे। क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट से हम क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब बच्चा। ये आपका टाइम है किसमें, सेकेंड में, क्योंकि असली मामला क्लियर होता है किससे, कॉन्सेप्ट से ही क्लियर होता है। नहीं जैसे अभी ऐसे बता दिए तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जैसे ही एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है सारा चीज क्लियर हो जाता है। देख लिए ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ध्यान से समझिए सीरियसली, ठीक है ना। मान लिया जाए जब टाइम कैलकुलेशन शुरू किए, अभी का कोई कार है मान लिया जाए वो क्या कर रहा है 80 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड बाद ये हो गया कितना, 70। बात समझ में आ रहा है? कितना हुआ, 2 सेकेंड बाद घट के क्या हो गया, 60। 3 सेकेंड बाद 50। यस, थोड़ा बड़ा हो गया ये, अच्छा चलो। 4 सेकेंड में कितना, 40। 5 सेकेंड में 30। यूनिफॉर्म घट रहा है, कितना से घट रहा है बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड से घट रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ घटे, और किसी में 10 घटे, कभी 20 घटे, कभी 12 घटे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। बात समझ, घटा तो रिटार्डेशन होगा, मेरी बात समझ में आ रहा है? वेलोसिटी घटा तो रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ा तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अगर रेगुलर हिसाब से बढ़ रहा है, जैसे 10 10 10 10 बड़ा 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 15 15 15 फिक्स रेट में बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। और जब वेरिएबल रेट में कभी 10 बढ़ गया, कभी 12 बढ़ गया, कभी 15 बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो बढ़ना है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, और अगर इरेगुलर वे में घट रहा है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। न बुझा रहा है? वेलोसिटी घट रहा है तो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। अब देखो 6 सेकेंड में कितना, 20। यस, 7 सेकेंड में कितना, 10। और 8 सेकेंड में वापस क्या हो गया, 0। क्लियर? अब इसका ग्राफ देखो कैसे खींचा है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, इस पर टाइम ले लोगे किसमें, सेकेंड में, और इस पर वेलोसिटी ले लोगे बच्चा लोग किसमें, मीटर पर सेकेंड में। समझ में आ रहा है? ये हुआ टाइम, ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक गए है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ले लिए हम लोग। अच्छा इसमें बताओ वेलोसिटी में कितना, 80 तक न लिए हैं, चलो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ओके 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, कोई कंफ्यूजन बच्चे लोग? अब देखो, अब ध्यान से मिलाओ, यहां पर
जब टाइम 0 सेकेंड था तो वेलोसिटी 80 था ना, तो टाइम में किसके सामने, 0 के सामने, और वेलोसिटी में किसके सामने, 80, तो 0 के सामने, तो यहां पर आएगा कि नहीं आएगा ये पॉइंट, कोई कंफ्यूजन है? टाइम में 1 सेकेंड तो वेलोसिटी में किसके सामने, 70, टाइम में 1 सेकेंड तो वेलोसिटी में किसके सामने, बोलो, टाइम में 1 सेकेंड के सामने आए तो वेलोसिटी में किसके सामने, 70 के सामने, कोई दिक्कत? ठीक है, टाइम में किसके सामने, बोलो, टाइम में 2 सेकेंड के सामने तो वेलोसिटी में किसके सामने, 60 के सामने, समझ में आ रहा है? टाइम में किसके सामने, बोलो, 3 सेकेंड के सामने तो वेलोसिटी में किसके सामने, ये 50 के सामने होगा कि नहीं होगा, यहाँ बातें समझ में आ रहा है? टाइम में किसके सामने, बोलो, 4 के सामने तो वेलोसिटी किसके सामने, बोलो, 40 के सामने होगा, यहाँ समझ लेना। टाइम में 5 के सामने तो ये किसके सामने, 30 के सामने, समझ में बढ़िया से आ रहा है? टाइम में किसके सामने, 6 के सामने, टाइम में 6 के सामने तो वेलोसिटी में किसके सामने, बोलो, 20 के सामने होगा। टाइम में किसके सामने, 7 के सामने, टाइम में 7 के सामने तो वेलोसिटी में किसके सामने, बोलो, 10 के सामने होगा। और टाइम में 8 के सामने तो वेलोसिटी किसके सामने, 0 के सामने हो गया यहां पर। अब क्या करिए, आप इन सारे लाइंस को क्या कर दीजिए, बोलिए, पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को क्या कर दीजिए आप, कौन कौन समझा, हाथ खड़ा करो, पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म, क्या बोलिए, रिटार्डेशन, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वे में घट रहा है, इसलिए ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म, क्या बच्चे लोग, रिटार्डेशन। अब पूछेगा तुमसे रिटार्डेशन क्या होगा, कितना होगा रिटार्डेशन, यस और नो? तो आप जानते हो रिटार्डेशन डायरेक्ट नहीं निकलता है, एक्सेलरेशन निकलता है ना, और फिर एक्सेलरेशन में माइनस लगा दो तो क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया, यस, ठीक है, एक्सेलरेशन माइनस होगा तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, प्लस। समझाए थे कि अगर एक्सेलरेशन हुआ -5 तो रिटार्डेशन क्या होगा, बोलो, 5 होगा कि नहीं होगा, बताए थे हम आपको, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन बराबर, यहां ध्यान देना, वाई एक्सिस पर डंडा का अंतिम पॉइंट, डंडा शुरू हुआ है यहां से, याद रखना, और खत्म हुआ है कहां, यहां, तो वाई एक्सिस पर डंडा का अंतिम पॉइंट ये किसके सामने है, वाई एक्सिस पर, 0 के सामने, अब समझ में आ रहा है, माइनस, वाई एक्सिस पर डंडा का स्टैटिक पॉइंट किसके सामने है, 80 के सामने, नहीं समझ में आ रहा है? टाइम पर यानी एक्स एक्सिस पर डंडा का अंतिम पॉइंट किसके सामने है, 8 के सामने है, और स्टार्टिंग वाला किसके सामने है, एक्स एक्सिस पे, 0, तो ये a बराबर आया -80/8 यानी -10 m/s² एक्सलेशन ये आ गया। और आप जानते हैं रिटार्डेशन बराबर माइनस एक्सलेशन होता है, तो -10 आंसर आया 10 m/s². कौन कौन समझे इसको, पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? नोट डाउन, तो ये हमारा रिटार्डेशन वाला था, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वाला, क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़े, क्या मा था ये पीछे वाला, 4 था, तो 5th में देखो, अब यूनिफॉर्म का गया बात, अब बात क्या आया, नॉन यूनिफॉर्म, बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, 5वां में व्हेन द स्पीड, बातचीत मत कीजिए, व्हेन स्पीड या वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज,
क्या नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली क्या करता है वो, इंक्रीज करता है, राइट। तो इसका ग्राफ कैसा होगा ध्यान से समझिएगा, इसमें एक्स वाई, यहां टाइम होगा, यहां वेलोसिटी होगा, बात समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ ऐसा होगा बच्चे लोग, बात समझ में आ रहा है? टेढ़ा कर्व होगा, यहां ध्यान देना है वेलोसिटी क्या हो रहा है बोलिए, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज जैसे ही कर रहा है तो क्या हुआ बोलिए, एक्सलरेशन हुआ कि नहीं हुआ बताइए, और लगा दीजिए उसमें क्या चीज, नॉन यूनिफॉर्म, तो ये हो गया हमारा क्या बोलिए, नॉन यूनिफॉर्म क्या, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन कब होगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगा लेकिन इरेगुलर मैनर में बढ़ेगा, बात समझ में आ रहा है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, बात समझ में आ रहा है। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी आपको दे देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये टाइम है आपका और ये क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, क्लियर हो रहा है? ठीक है, टाइम में ले लो, मान लिया जाए जीरो सेकेंड में जीरो लिए वेलोसिटी, राइट, एक सेकेंड में वेलोसिटी क्या हुआ टेन, अगला सेकेंड में फिफ्टीन हो गया, मान लिया जाए पंद्रह हो गया, फिर तीसरा सेकेंड में मान लिया जाए कि ट्वेंटी हो गया, फिर चौथा सेकेंड में ये सीधे हो गया क्या चीज, ट्वेंटी टू हो गया, बात समझ में आ रहा है? पांचवा सेकेंड में क्या हो रहा है, ये ट्वेंटी फाइव हो रहा है, छठा सेकेंड में क्या हो रहा है, फोर्टी हो जा रहा है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वेलोसिटी हर स्टेज में क्या देख रहे हो, बढ़ तो रहा है, यस और नो, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है। तो देखो इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए, जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ले लिए हम, यहां टेन टेन में लेते हैं क्या कि फाइव फाइव में ले ले, ज्यादा हो जाएगा, टेन में लो ना एक आइडिया से, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी और फिफ्टी, जरा ध्यान से देखना सब, थिकनेस थोड़ा कम करें इसको, ध्यान से समझना, जीरो में जीरो तो यहां पर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ध्यान से समझना, ये वन में टेन, ये वन है और ये क्या हुआ टेन, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, टू में कितना फिफ्टीन, फिफ्टीन मतलब ट्वेंटी और टेन के बीच आएगा, ये इधर से तुम यहां चले और इधर से यहां चले, यहां आएगा कि नहीं आएगा बताओ, थ्री में कितना ट्वेंटी, तो थ्री में ट्वेंटी चले तो क्या हो गया, ये इसके सामने यहां पर ऊपर आ गया थोड़ा सा, देखना ध्यान देना, थोड़ा टेढ़ा मेरा हो सकता है मतलब, ये फोर में कितना, तो फोर में ट्वेंटी टू, तो थोड़ा सा इसके ऊपर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, यस ठीक है, लग रहा है स्ट्रेटे है लेकिन है नहीं, फाइव में कितना ट्वेंटी फाइव, ये करने हो गया यार, भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो, मतलब समझ में आ रहा है ना, इधर हो सॉरी ये इधर हो गया, ये फाइव में ट्वेंटी फाइव है, मान लो ये जा है कोई सही तो स्टेटे लग रहा है, सिक्स में फोर्टी, ये थोड़ा इज्जत बचाएगा, तो ये ऐसे करोगे तो ऐसा ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बॉडी इज मूविंग विथ, बात समझ में आया? अब पांचवा छठा देखो, व्हेन द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज, वहां पर बढ़ रहा था ना,
डिक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली। तो क्या होगा ग्राफ देखो यार, ऐसे आया, ये एक्स है और ये वाई, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। सारे बच्चे समझ रहे हैं, इसका ग्राफ होगा ऐसा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा घट रहा है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी घट रहा है तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा कि नहीं होगा? और तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म क्या, रिटार्डेशन। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो स्ट्रेट लाइन होता कि नहीं होता? यूनिफॉर्म होता तो स्ट्रेट लाइन होता। अगर यूनिफॉर्म होता तो क्या होता, यहाँ स्ट्रेट लाइन होता कि नहीं होता ऐसा? लेकिन चूंकि यूनिफॉर्म नहीं है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए क्या होगा, कर्व लाइन होगा। नोट, क्या मत है ये, छठा सातवां। जब बॉडी का स्पीड क्या हो या वेलोसिटी अल्टरनेट वे में कभी बढ़े कभी घटे, नहीं समझे बात को, कभी ऐसे किए नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ, म्यूजिक के साथ समझ में आ रहा है, कभी स्पीड बढ़ गया कभी घट गया, कभी बढ़ गया कभी घट गया, तो भैया इसका ग्राफ कैसा होगा, लिखिए सब। व्हेन द स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज अल्टरनेटिवली, तो ग्राफ कैसा होगा भैया, यहां टाइम है और यहां स्पीड या वेलोसिटी है। बात समझ में आ रहा है, ध्यान देना। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? वो तो छठा था ना, ये सातवां ना होगा, ये आठवां। When the speed या वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेज इन स्टेप वाइज मैनर, कंटिन्यू कीजिए लिखते हुए, इसमें कुछ नहीं है, इधर हमारा समाप्त उधर आपका समाप्त। क्या होगा, ऐसे गया फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यहां से लिए हैं, समझा, यहां से लिए हैं इस जगह से, कंटिन्यू करो, हो गया, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अगर आपको पूछे कि जब किसी बॉडी को ऊपर से क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं, या किसी को थ्रो किए, बॉडी को क्या किए, थ्रो किए, बॉडी को थ्रो किए, यस, फेंके, तो फेंके तो उसका ग्राफ कैसा होगा, समझिएगा बात, चेंज करें इसको। नाइन्थ नंबर,
ग्राफ ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज थ्रोन अपवर्ड अब ये बताओ मुझे जब तुम फेंकोगे ऐसे ऊपर तो फेंकने में कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा जब ड्रॉप करते हैं तब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है लेकिन फेंकने में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होता है फेंके फेंके तो हर सेकंड कितना से घटा वेलोसिटी बोलो याद करो 9.8 वेरी गुड 9.8 मीटर पर सेकंड 9.8 घटते 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 जीरो हो गए वेलोसिटी क्या हुआ जीरो और जीरो के बाद फिर बढ़ना चालू किया कितना से आ गया समझ में अच्छा इसमें एक्सलेशन यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है या तो 9.8 से घट रहा है या 9.8 से बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा ऊपर जाते हैं तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है घट रहा है और नीचे गिरते हैं तो यूनिफॉर्म क्या हो रहा है एक्सलेशन सही में समझ में आया कि नहीं पक्का समझे कि नहीं तो इसका ग्राफ सोचो कैसा होगा बहुत अच्छा चीज ये वेलोसिटी है ये टाइम अब देखो यार ध्यान से समझना यहां ये जीरो है मान लिया जाए बॉडी 40 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंके मान लिया जाए ये क्या है हमारा जीरो है ये क्या है हमारा 10, 20, 30, 40 तो 40 से फेंके ना हम तब 40 से फेंके तो फेंके और ये घटते 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 वेलोसिटी कितना हो गया जीरो हो गया ये कौन कौन समझा इस चीज को यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और फिर जब जीरो हुआ यानी जब यहां पर ध्यान दो यहां यहां हम कितना से फेंके बोलो 40 मीटर पर सेकंड अब ये ऊपर गया घटते 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 जहां इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है जीरो फिर वहां से बढ़ना चालू होता है कि नहीं होता है बात समझ में आया तो इधर वाला का ग्राफ क्या होगा 40 से जीरो आए यहां तक का ग्राफ हो गया ये समझ में आ रहा है आ रहा है अब फिर क्या करेगा ये जीरो आ गया ना यहाँ जीरो आ गया अब जीरो से बढ़ना चालू करेगा ना तो बढ़ेगा तो किधर जाएगा ऊपर कि नीचे तो बढ़ेगा तो फिर आ गया समझ में कि नहीं कौन कौन समझा इसको पक्का समझ में आ गया ठीक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था ग्राफ उतार लीजिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वीटी ग्राफ की मदद से डिस्टेंस निकालना यस और नो ठीक है थैंक यू सो मच